पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब नेताओं से फिरौती मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के बीच जहां कांग्रेस ने उदयपुर में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है, तो वहीं इस बाड़ेबंदी में गैंगस्टरों ने सेंध मार दी है। राज्यसभा के चुनाव के लिए उदयपुर की बाड़ेबंदी में मौजूद आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का मेंबर बताया है। हालांकि पुलिस ने मामले में आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी सुनील बिश्नोई बीकानेर जिले के 10BD काजूवाला का रहने वाला है। हाल में वह मलेशिया स्टडी वीजा के तहत रह रहा है। आरोपी ने मंत्री को फिरौती न देने पर बेटे सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश खुद इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल मंत्री राजस्थान सरकार ने इस आशय की सूचना दी कि कल रात अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पे कॉल आया जिसमें कि 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में JNVC थाने में मुकदमा संख्या 187/22 IPC की धारा 387 और 506 में दर्ज किया गया। जैसे ही यह सूचना बीकानेर पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई, उन्होंने हमसे शेयर की और फिर हम लोगों ने कार्य योजना बनाई और हमारी बीकानेर की साइबर टीम, पुलिस अधीक्षक की DST और गंगानगर पुलिस अधीक्षक की DST ने जितने भी हमारे सस्पेक्ट थे उनसे विवेचना की गई और इंट्रोगेशन किया गया और सारे तथ्यों के एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि जो धमकी देने वाला SK और कोई नहीं बल्कि सेठी राम है उर्फ सुनील कुमार बिश्नोई है। इनके पिता का नाम हंसराज है। ये 10BD खाजूवाला बीकानेर के रहने वाले और इनके पृष्ठभूमि के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 4 लोग थे जो 2.5 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए मलेशिया गए थे। अमन बिश्नोई, अमरजीत और राकेश कुमार और उसके साथ ये चौथा नाम था सेठी राम, जिसको सुनील कुमार बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। इसमें से अमन बिश्नोई और अमरजीत वापस आ गए और अभी राकेश कुमार और सेठी राम अभी मलेशिया में ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे पास सूचना है और जो हमने उसकी पुष्टिकरण की है, ये कोई या तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं या कोई मिनियल वर्क वहाँ पर कर रहे हैं। इनमें से 2 लोग जो अमन बिश्नोई है, अमरजीत है, उनको हमने दस्तियाब कर लिया है, उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। ये कॉल मलेशिया के ISG कोर्ट से आया था। इसकी पड़ताल में पुलिस की साइबर टीम तभी से जुट गई थी। जानकारी के अनुसार उदयपुर के होटल में मंगलवार शाम कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के पास ये कॉल आया था। इसमें 70 लाख रुपए नहीं देने पर परिवार को मारने की धमकी दी गई। इसके बाद बीकानेर के अलावा श्री गंगानगर पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। जानकारी के अनुसार धमकी देने वाले ने मंत्री से व्हाट्सएप पर चैट की थी, जिसपे परिवार के सदस्यों के फोटो भेजते हुए बताया गया कि सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं, परिवार के साथ नहीं। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का पूरा परिवार राजनीति में है। उनके बेटे पूगल पंचायत समिति में प्रधान हैं, जबकि बेटी सरिता मेघवाल और पत्नी आशा देवी भी जिला परिषद सदस्य है। इसके पहले 3 जून को साइबर ठगों ने कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नाम से व्हाट्सएप DP पर उनकी फोटो लगाकर फर्जी प्रोफाइल क्रिएट की और सचिवालय में कई कर्मचारियों को मैसेज कर रुपयों की मांग की थी। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता के चलते कोई भी ठगों का शिकार नहीं हुआ। कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसकी सूचना गोविंद राम मेघवाल को दी। इसके बाद मेघवाल की ओर से साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और साथ ही आमजन से अपील भी की गई। पंजाब के सिटी TV के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।